अक्षय, मैं मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में पढ़ रही थी। मुझे कुछ खास उसका डिफरेंस समझ में नहीं आया, मुझे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता है? मैं आपको नहीं, अपने सारे व्यूअर्स को क्लियर कर देता हूँ डिफरेंस। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दोनों इन्वेस्टर्स को लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं, बट इसमें छोटा सा डिफरेंस है, समझते हैं इस वीडियो में। मल्टी कैप फंड्स के अंदर बाय मैंडेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर को 25% ईच स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना जरूरी है, बट फ्लेक्सी कैप में ऐसा नहीं है। इसके अंदर फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिप्शन। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन लॉन्ग टर्म है एंड रिस्क टॉलरेंस भी हाई है, इन दैट केस यू शुड प्रेफर मल्टी कैप फंड्स। बट एट द सेम टाइम अगर आपको आपका एसेट एलोकेशन डिसीजन फंड मैनेजर के अकॉर्डिंग चलाना है एंड यू रिलाई ऑन फंड मैनेजर एंड हिज एबिलिटीज, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर फ्लेक्सी कैप फंड्स। आई होप मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। फंड सेलेक्ट करते वक्त डेफिनेटली आपका रिस्क प्रोफाइल एंड इन्वेस्टमेंट गोल्स को कंसिडर करें। मुझे पूरी उम्मीद है अब आपका मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही आप डाउट्स क्लियर करते रहूँ, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर अकाउंट। Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme-related documents carefully before investing.